हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाकर अपने बालों को लंबा काला घना बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको इस नुस्खे का किस तरह से यूज़ करना है कि आप अपने बालों को तेजी से घना कर सकते हैं। आज के इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मीडियम साइज के ऑनियन का। ऑनियन के अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों की डैमेज स्कैल्प को तेजी से रिपेयर करता है, जिससे हमारे नए बाल तेजी से उगने लग जाते हैं। अगर आपके बालों में उलझन है, गांठ है, या फिर आपके बाल एकदम बेजान है, झाड़ू के जैसे दिखाई देते हैं, दो मुहे हैं, तो ये सल्फर उन सभी चीज़ों को भी हटाकर आपके बालों को एकदम से नया, खूबसूरत, चमकदार बना देता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ओनियन के अंदर किस चीज़ को ऐड करके बालों में लगाना है जो आपके बालों को तेजी से घना, बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ा देगा और बालों की सभी समस्याओं को जड़ से भी खत्म कर देगा। तो सबसे पहले आपको ओनियन को कद्दूकस कर लेना होगा, या तो आप मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेंड कद्दूकस की सहायता से इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर रही हूँ। इस तरह से आपको पूरे ओनियन को कद्दूकस कर लेना होगा। इसके बाद आपको लेना है एक क्लीन बाउल और आपको छलनी की सहायता से इसके पूरे रस को निकाल लेना होगा। देखिए गाइस, कैसे आसानी से इतना सारा ओनियन का जूस निकल चुका है। इसके बाद आपको लेना है एक लेमन। आपको फ्रेंड्स इसमें आधे नींबू का रस ऐड करना होगा। लेमन का रस भी हमारी डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करता है। बालों का दो मुहापन, बालों का एकदम बेजान दिखाई देना, बालों में चमक ना रहना, बालों का ना उग पाना, गंजेपन की समस्या, खुजली की समस्या, बालों की जड़ों में डैंड्रफ की समस्या, इन सभी को दूर करता है, जिससे हमारे नए बाल तेजी से उगने लग जाते हैं। आधे नींबू का रस मात्र आपको इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपको लेना है ऑयल। जो भी ऑयल आप यूज करते हो आपको इसमें ऐड कर देना होगा। 2 से 3 चम्मच आप अपना तेल इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे कि आप सरसों का तेल ऐड करते हैं तो आप इसमें सरसों का तेल ऐड कर दीजिए, या फिर आप आंवला यूज करते हो, कोकोनट ऑयल यूज करते हो, ऑलिव ऑयल यूज करते हो, जो भी ऑयल यूज करते हो आप इसमें ऐड कर दीजिए। 2 से 3 चम्मच ऐड कीजिए। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आप इसे अपने बालों में लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट की मसाज कीजिए। उसके बाद आप इसे अपने पूरे बालों में लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। इसके ज़रिए आप देखेंगे कि कैसे आपके बाल तेज़ी से ग्रोथ करने लग गए हैं, बाल तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं, बालों की जड़ों की सभी समस्याएँ कैसे दूर हो गई है। और आप अगर इसे अपने बालों में वीक में एक बार लगा लेंगे तो नए बाल ऐसे तेजी से उगेंगे, ऐसे तेजी से लंबे होंगे और आपकी गंजेपन की समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो गाइस, अगर आप भी अपने बालों की जड़ों को तेजी से मजबूती देना चाहते हैं, नए बालों को तेजी से उगाना चाहते हो, बालों को घना करना चाहते हैं, तो इस रेमेडीज का जरूर यूज कीजिएगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।